भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पूरी चली और 9 की 9 टिकटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अनुसार बटी और कहीं ना कहीं आपकी जो टिकट कटी वो भी इसी उसमें कटी। हाँ तो ये तो बात बिल्कुल सही है, उन्होंने ही कटवाई। दो फाड़ हो गए हैं और SRK को अब ठिकाने लगाया जाए, इस तरह की कोशिश हुई? मैं भी CLP लीडर थी, सबको साथ लेकर चलना जो है हमेशा पहले मेरा सबसे पहले दायित्व था। ये नहीं होता था कि भाई इसको अलग कर दो उसको अलग कर। पार्टी के अंदर जो है मतभेद हो सकते हैं, मन भेद हो सकते हैं, पर जो है वैसे भेद नहीं होता, सारे इकट्ठे आ जाते हैं कि कौन कहाँ है और किस तरह से है, कौन बेदाग है और कौन साफ है। तो इस तरह का षड्यंत्र तो जो है बहुत पहले से होता आ रहा है, हमारे इलाके की लड़ाई है। मेरा एक मिनट, मेरा कोई पर्सनल लड़ाई थोड़ा ना, चुनी हुई एक प्रतिनिधि हूँ मैं, और मेरे हल्के के अंदर आप जो है मीटिंग आप करने जा रहे हैं, आप मुझे इतला तक नहीं करते हैं। तो एक बात मैं बता दूँ, ये तो जनता बेशक हमारे को मार दे, ऐसे नहीं हम मरने वाले लोग। लोकसभा चुनाव का प्रचार चल रहा है और लगातार नेता दर बर दर जा रहे हैं और जाकर के लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं। हम भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के अंदर मौजूद हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ में कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है राव दान सिंह को, लेकिन पहले की अगर बात करें तो लगातार बंसीलाल परिवार से यहाँ प्रत्याशी रही है श्रुति चौधरी, रही है उससे पहले सुरेंद्र सिंह थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए किरण चौधरी हैं, जो कि पूर्व में मंत्री रही हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, न्यूज 18 पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं टिकट कट गई, एक लंबा समय बंसीलाल परिवार का यहाँ बड़ा दबदबा रहा है, आज भी है, और श्रुति चौधरी भी लगातार मेहनत कर रही थी लेकिन कांग्रेस ने टिकट काट दी, क्या रहा? अब ये तो पार्टी का फैसला था, तो वो तो उस फैसले के ऊपर तो हम क्या कह सकते हैं कि हाँ ये बात जरूर है कि 15 साल से श्रुति ने बहुत मेहनत करी थी, मैंने भी मेहनत करी थी, और यहाँ पे आपने देखा कि ये जो है झंडा कांग्रेस का बुलंद रखा, और यही नहीं पूरे हरियाणा के अंदर जो है चौधरी बंसीलाल जी की पार्टी का हबीपा का जब विलय हुआ था तो वो विलय करवाने के समय जो अब चौधरी बंसीलाल जी के जाने के बाद उन सबको भी पूरे हरियाणा के अंदर संगठित करा और कांग्रेस के अंदर इंटीग्रेट करा, वो काम भी हमने पिछले 20 सालों में करा। अभी मैं जब शैलजा जी के पास प्रचार में गई और इस रानिया हलके में थी तो कम से कम मैं वहां पर 20 गांव के अंदर गई होंगी, 20-25 गांव में, तो पुराने हबीपा के कार्यकर्ता निकल निकल के आए और जो है उन्होंने बताया किस तरह से बंसीलाल जी की बातें साझा करी, सुरेंद्र जी की करी, और अब जो है कांग्रेस पार्टी के समर्पित सिपाही बन के आगे काम कर रहे हैं। आपने कहा कि रानिया में प्रचार में गई, रानिया तो प्रचार कर रहे हैं लेकिन भिवानी महेंद्रगढ़ में जहां आपका इलाका है वहां प्रचार के लिए किरण चौधरी कहीं ज्यादा दिख नहीं रही, क्या कारण है? नहीं ऐसी बात नहीं है, देखो मेरे को जब कहा गया, जो देखो जो चुनाव लड़ते हैं जो प्रत्याशी होते हैं उनके दफ्तर से इतला आनी चाहिए, तो मुझे जब उन्होंने फोन करके कहा कि जी आप हमारे दफ्तर खुलवाओ तो शाम हल्के के अंदर, तो दोनों दफ्तर मैंने खुलवाए उनके, अच्छी बड़ी मीटिंग करी, खुलकर उनके लिए जो है वोट मांगी, लेकिन उसके बाद जो है कहीं ना कहीं पता नहीं क्या बात होगी कि ना तो हमारे पास कोई इतला आती है उनके दफ्तर से। मैं बार बार उनको फोन भी करने की कोशिश करी, कल भी करे परसों भी करे, कल जब दीपेंद्र हुड्डा के साथ वो मीटिंग मेरे इलाके में कर रहे थे तो उससे पहले मैंने फोन करने की कोशिश करी, फोन खटकाए कि भाई मैं भी आ जाती हूँ, पर जब कोई किसी तरह से मेरे को पूरी तरह से लगता है नजरअंदाज करा जा रहा है, मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही बात है कि भैया वैसे तो अब लोग देख ही रहे हैं इस बात को, क्या लेकिन करें? उनको लग रहा था कि टिकट काट करके कहीं ना कहीं पीछे धकेल दिया है और अब लग रहा है कि चुनाव प्रचार में भी नहीं बुला करके और पीछे धकेलने की कोशिश है। देखो मान सम्मान हर एक का होता है, हमने बड़ा ईमानदारी के साथ राजनीति करी है, हम उनमें से नहीं हैं जिन्होंने जिनके ऊपर केसेस हों लगे हुए हैं, कोई ED, कोई किसके कहीं सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन केसेस लगे हुए हैं। हमने तो बेदाग छवि मेरी और श्रुति की है और हमने काम निष्ठा ईमानदारी के साथ लोगों का करा है, सेवा भाव से हमने करा है, और कोई किसी तरह का लोभ लालच की बात नहीं है, लोगों के बीच में समर्पित रहे हैं एक पार्टी के नाते। अब जो है इस तरह से जो है अगर नजरअंदाज करा जाता है तो दुख दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि ये पार्टी का के प्रति अच्छा संदेश नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि टिकटों के अंदर और दुख होता है इस बात को देखकर कि जब चुनी हुई एक प्रतिनिधियों में
और मेरे हलके के अंदर आप जो है मीटिंग आप करने जा रहे हो, आप मुझे इतला तक नहीं करते हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट जो हैं वो वहां जाते हैं, तो मैं भी तो पार्टी की पूरी नुमाइंदा हूं, तो सीएलपी लीडर रह चुकी हूं, पीसीसी प्रेसिडेंट साहब भी मेरे को इतला नहीं करी कि आपके इलाके में जा रहे हैं पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, मेरे को बुलाया नहीं जाता। इसी तरह से जो है दीपेंद्र हुड्डा आए दो जगह मेरे हलके के अंदर करके गए, वहां पे भी मेरे को नहीं बुलाया गया, इतला नहीं करी गई। तो ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि सामने कहीं ना कहीं रखेंगे इस बात को जब समय आएगा। ये तो नजर सभी दुनिया को आ रही है, सारा दिख ही रहा है। मेरे को जब भी बोला गया, जब जब बोला गया, मैंने अपना काम कराया, अभी भी बैठ के मैं कर रही हूँ, हम तो कर रहे हैं, हम तो एक पार्टी के समर्पित सिपाही हैं, सोनिया जी के सिपाही हैं, हम तो अपना काम करेंगे। लेकिन आप क्या मैसेज दे रहे हैं ये बात है, ये आप ये मैसेज अगर देना चाहते हैं कि हम इनको मारना चाहते हैं, तो एक बात मैं बता दूं, ये तो जनता बेशक हमारे को मार दे, ऐसे नहीं हम मरने वाले लोग। लेकिन लगातार कहा गया हरियाणा के अंदर कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पूरी चली और नो की नो टिकटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अनुसार बटी, और कहीं ना कहीं आपकी जो टिकट कटी वो भी इसी उसमें कटी। हाँ तो ये तो बात बिल्कुल सही है, उन्होंने ही कटवाई। तो क्या लगता है क्यों ऐसा व्यवहार किया गया, क्योंकि वो लगातार एक बात और निकल करके आ रही है कि अभी पीछे जैसे राज्यसभा का चुनाव था तो कह रहे कि उसकी कहीं ना कहीं खामियाजा किरण चौधरी को भुगतना पड़ा, अजय माकन का जो चुनाव था मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्या कोई ऐसा था? देखो मैं ये आपने बात पूछ ली है तो मैं कहना चाहती हूँ 2016 के अंदर क्या हुआ था, हमारी चार वो जो कांड हुआ था, कौन सा ये जो इंक कांड, 14 हमारे विधायकों की कैंसिल हुई थी जी। है ना, और मैं ये भी नहीं कहना चाहती थी, लेकिन अब आप जब पूछ रहे हो और मेरा नाम जब इस तरह से लगाया जाता है तो उस समय जो है क्या बात हुई थी वो सारे लोग जानते हैं। तो इस तरह का षड्यंत्र तो जो है बहुत पहले से होता आ रहा है, और मेरे ऊपर तो वैसे ही बहुत षड्यंत्र जो है हमेशा चलता रहता है, क्योंकि मैंने तो आवाज जो है अपनी जो उठाती हूँ वो जनता की आवाज उठाती हूँ, लड़ाई जो मैं लड़ती हूँ वो जनता के हकों की लड़ाई है, हमारे इलाके की लड़ाई है। मेरा एक मिनट, मेरा कोई पर्सनल लड़ाई थोड़ी ना है, ये लड़ाई हमने जो लड़ी है कि हमारे हमारे इलाके का हक हमारे को मिले, हमारे इलाके के जो बच्चे हैं उनको नौजवानों को जो है नौकरियां मिले, हमारे इलाके का जो विकास है काम है वो पूरा हो, उसकी लड़ाई मैंने हमेशा लड़ी है, कोई निजी लड़ाई तो है नहीं मेरी। और जो है ये राजनीतिक प्रतिनिधि होते रहते हैं, काम चलता रहता है, पर सारी दुनिया जानती है कि कौन कहाँ है और किस तरह से है, कौन बेदाग है और कौन साफ। लेकिन जैसे ही आपका एसआर के गुट बना, कहीं ना कहीं एक आप तीनों लोग साथ आए, शैलजा जी, आप, रणदीप जो है वो तीनों साथ आए, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं ये नहीं हुआ कि दो फाड़ हो गए हैं और एसआर के को अब ठिकाने लगाया जाए, इस तरह की कोशिश हुई? जो पदासीन होते हैं, सीएलपी लीडर हो, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, या जो भी पदों पर हो, ये उनका काम होता है कि सबको साथ लेकर चलना, है ना। जब हम मैं भी सीएलपी लीडर थी तो सबको साथ लेकर चलना जो है हमेशा पहले मेरा सबसे पहले दायित्व होता, ये नहीं होता था कि भाई इसको अलग कर दो उसको अलग कर दो। पार्टी के अंदर जो है अब मतभेद हो सकते हैं, मन भेद हो सकते हैं, पर जो है वैसे भेद नहीं होता, सारे इकट्ठे आ जाते हैं। लेकिन जब इस तरह से अगर हो जाता है कि भाई किसी को मारना ही भाई कोई तुला हुआ हो, तो जनता तो सारा देखती है, कोई ये तो किसी से छुपी हुई बातें नहीं है। धर्मवीर सिंह रोड शो निकालते हैं, चौधरी बंसीलाल की मूर्ति आती है वहां, माल्यार्पण करते हुए नजर आते हैं, क्या लग रहा है कि बंसीलाल समर्थक जो है, आपके समर्थक जो है, जो कहीं ना कहीं आकर्षित हो रहे हैं अब, क्योंकि वो मान सम्मान कर रहे हैं चौधरी बंसीलाल का, और जो आपके कैंडिडेट हैं वो आपको इन्फॉर्म ही नहीं कर रहे? यही तो देखो क्या है, चौधरी बंसीलाल जी का नाम सारे हरियाणा में है और ये इलाका तो जो है उनके नाम से माना जाता है। चौधरी बंसीलाल जी ने अपने विरासत की पगड़ी सारों के लाखों की भीड़ के बीच में श्रुति सुरेंद्र जी के चले जाने के बाद श्रुति के सिर पर रखी, और उसके बाद श्रुति ने काम करा, मैंने काम करा यहाँ पर ईमानदारी से करा, सारी सारे लोग जानते हैं। हमारे जो हमारा जो इख्तियार था, जितना हमारे पास ताकत थी उतनी ताकत से ज्यादा बढ़ चढ़ के हमने काम करा। अब जो है जो लोग कभी बंसीलाल जी की वो जो समाधि है वहां से आना जाना
लगा रहता था, वो तो बिल्कुल सड़क पे है समाधि, जिन्होंने जाके मथा मतलब उस तरफ नजर तक नहीं उठा के देखी थी, चाहे पक्ष दोनों पक्ष हो, दोनों की बात मैं कहती हूँ, आज वो जाकर वहां पे नतमस्तक हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर चौधरी बंसीलाल जी के लोग हैं, ये उनका इलाका है और लोग जो हैं उनसे पूरी तरह से प्रभावित हैं। तो ये चीज देखते हुए वो भी ये काम कर रहे हैं जो आज तक नहीं करा। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज तक जो उनके कट्टर विरोधी थे और जो दूसरे हमारे पार्टी के भी जो थे जिन्होंने कभी जाकर चौधरी बंसीलाल जी का नाम लेना नहीं पसंद करा, आज वो चौधरी बंसीलाल जी का नाम लेकर उनकी जय जयकार कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। क्या लग रहा है कि किरण चौधरी के तो कहीं ना कहीं राजनीतिक विरोधी दोनों ही रहे हैं, वो चाहे धर्मवीर सिंह की बात करें या राव दान सिंह की बात करें, क्योंकि जिस तरह से आपने भी कहा था कि पिछला जब लोकसभा चुनाव था तो जिस तरह की मदद राव दान सिंह ने श्रुति चौधरी की थी, तो आपने भी कहा कि हाँ अब सवाया करके मदद करनी है। नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि सवाया करके मदद करनी है। मैंने ये कहा था कि जितनी मदद जितनी उन्होंने हमारा साथ दिया, मदद करी, तो हमें उससे ज्यादा दुगनी उनकी करनी है, ये करनी है, ये बात मैंने कही थी। और वो मेरे विरोधी कहाँ से, वो तो मेरा उनसे कोई ऐसा विरोध नहीं है। तो अब कैसे देखा जाए विधानसभा ये लोकसभा चुनाव को, क्योंकि लगातार जिस तरह से कंटेस्ट कह सकते हैं एक तगड़ा कंटेस्ट बना हुआ है, तो उसके अंदर अब किरण चौधरी की भूमिका क्या होगी, क्योंकि एक निर्णायक भूमिका लोग किरण चौधरी की देख रहे हैं। मैं तो यहाँ पर काम करने के लिए ही बैठी हूँ, 10 दिन हो गए हैं मुझे, शैलजा जी के पास जा रही हूँ या अपने इधर भिवानी साइड में हूँ, श्रुति अपने महेंद्रगढ़ साइड में जा रही है, तो हम तो काम करने के लिए बैठे हैं। अगर हमारे से काम करवाया जाएगा तो हम करेंगे, लेकिन जो है अभी तक तो ये नजर आ रहा है कि जो है हमारे को इतला तक नहीं करी जाती है, हमारे को जो बताया ही नहीं जाएगा कि हमने क्या करना है, कहाँ जाना है, तो हमारे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। तो अब क्या करें, पार्टी से तो बंधे हुए लोग हैं, तो अब ठीक है, अपने दर्द तो है इस बात का, दिल में दुख है बहुत जबरदस्त कि इस तरह से जो है जो बेइज्जती ही सोच लो समझ लो वो जो करी जा रही है वो अच्छी नहीं है। और मैंने कोशिश करी है बात करने की, दान सिंह जी से भी मैं बात करी है, सबसे मैंने बात करी है कि भाई बताओ, पर कोई अगर हमारे को साथ लगा के चलने के लिए तैयार नहीं है तो हम उसमें अब क्या कर सकते हैं। तो हम तो केवल एक पार्टी से बंधे हुए लोग, सोनिया गांधी आप जानते हैं मेरी नेता है और वो उनसे बंधे हुए हैं, हम तो हमने तो पार्टी का काम करना है। लगातार एक हवा भी उड़ती है कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं कोई रुख कर सकती है किरण चौधरी, अगर जिस तरह की हालात अब उत्पन्न हुए हैं कोई ऐसी बात आ सकती है कभी। देखो जिंदगी के अंदर ये जो है, मैं हम बीजेपी की बी टीम नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो बी टीम हैं, हम उन बी टीमों में से नहीं है। आगे क्या और क्या नहीं है ये तो भगवान जाने क्या है, लेकिन मैं हमेशा मेरी आस्था जो है वो कांग्रेस के अंदर रही। हरियाणा में क्या स्थिति देखते हैं कांग्रेस की, क्योंकि जिस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है अभी रोहतक में, सिरसा में, हिसार में, सोनीपत में, कह रहे हैं कि कांग्रेस टक्कर दे रही है, आप कैसे देखते हैं? हम तो अपने यहाँ पे मशरूक हैं ज्यादातर। देखो शैलजा जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है तो मैं बार बार जा रही हूँ उधर, उनका काफी एरिया मैंने कवर करा है, आगे भी करूंगी मैं, तो जहां पर मान सम्मान इज्जत से बुलाया जाएगा तो वहीं जाएंगे ना। कोई मतलब हमने पार्टी को अपने 35 साल जो है दिए हैं, तो जहां इज्जत मान सम्मान होगा वहां हम जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, यहां पे हमारी जरूरत है वहां हम जाएंगे। एक बीजेपी के नेता लगातार कहते हैं, वो मुख्यमंत्री भी कहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि कांग्रेस पुत्र मोह के कारण कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में गर्त में जा रही है, आप इस बात से कितनी सहमत हैं? जो लोग कहते हैं वो लोगों की जो आवाज होती है वो जो है जनता की आवाज जो है वो सबकी आवाज होती है। तो किरण चौधरी हमारे साथ थी और जिस तरह से बेबाकी से वो अपनी बात रखती हैं वही बात बेबाकी से रखी है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर जनता उन्हें मारने का काम करेगी तो कोई बात नहीं, वो शर्माते हैं, लेकिन अगर कोई नेता ये सोचता है कि किरण चौधरी या श्रुति चौधरी को राजनीतिक तौर पर मारा जा सकता है तो वो उसकी गलतफहमी है। कैमरामैन सरमप्रीत के साथ अंकित दुधानी, न्यूज 18 भिवानी।